वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सबने अब केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि आज 11 सितंबर है और आप सबको पता है आज एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें है कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है और इंटरव्यू के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, सितंबर के एंड तक आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो सकते हैं। तो प्लीज केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और इसका रिजल्ट ये भी है कि कुछ महीने पहले जो मैंने केवीएस के इंटरव्यू की वीडियो डाली थी ना, जिसमें मैंने डेमो देके दिखाया था एचसीएफ का, एलसीएम का, फ्रैक्शन का, उस पर व्यूज अभी आ रहे हैं, यानी कि बच्चे अपने इंटरव्यू के लिए सीरियस हो रहे हैं, बच्चे तैयारी में लग रहे हैं। तो ये जो वीडियो है काइंड ऑफ आपके लिए एक रिमाइंडर ही है कि वीडियो देखने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कम टाइम मिलेगा। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर मेरी वीडियो देखते हो तो 27 अगस्त को मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था आपसे कि केवीएस का इंटरव्यू आने वाला है। तब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये लगा था कि मैं फेक रही हूँ या फिर ये फेक है या मैं कुछ भी बोल रही हूँ। मैं एक काम करूंगी, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग भी ये वीडियो जाके देखना। तो उसमें मैंने आपको यही बोला था कि आपके लिए गुड न्यूज है, केवीएस का रिजल्ट आने वाला है और ये रिजल्ट जो है ना आपको 6-7 तारीख से तक आ जाता, बट ये जन्माष्टमी और G20 की छुट्टी की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। और मैंने ये भी कहा था कि इन छुट्टियों के तुरंत बाद ना आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देख लो, छुट्टियां कल खत्म हुई हैं, आज 11th ऑफ सितंबर है, आज आपको पता चल गया, मतलब कहीं ना कहीं से तो न्यूज आ रही है ना कि रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अभी बहुत ज्यादा समझदार हो तो इस चीज का फायदा उठा लो। और अगर कोई चीज ये बार बार बोल रहा है कि रिजल्ट आने वाला है तो ऐसा हो सकता है कि 90% चीजें सच हो सकती हैं। तो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि सारी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, 1st to 5th की एनसीईआरटी पढ़नी है, सारे कंटेंट पे अपनी कमांड करनी है, अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर आपको थोड़ा सा वर्क करना है, डेमो प्रिपेयर करना है, कंटेंट की नॉलेज चाहिए, सारी चीजों में टाइम लगता है, तुरंत एकदम से नहीं होता। अभी रिजल्ट आ जाएगा ना फिर यही होगा कि अभी ये भी करना है, ये भी करना है, इसका डेमो प्रिपेयर नहीं है, उसका डेमो प्रिपेयर नहीं हो, क्या हुआ। तो जब एक नेगेटिव माइंड के साथ हम इंटरव्यू में जाएंगे ना तो हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, सामने वाला तो हमें क्या ही करेगा। बाकी जैसे ही हम जाते हैं ना केवीएस के इंटरव्यू के लिए या किसी भी इंटरव्यू के लिए हम रूम में घुसते हैं तो अपने आप ही हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हो जाती है, मतलब हम खुद ही अपने आप को ना अनकंफर्टेबल कर लेते हैं। वहां पे जाकर के पैनल बहुत अच्छा होता है, आपको बिठाता है, पानी वानी भी पूछता है, सारी चीजें होती है। तो जब तक हम कंफर्टेबल होते हैं ना उतने में ही काफी सारी चीजें ऑब्जर्व हो जाती है। तो बेटर है सिचुएशन हम अपने आप ना आने दें, हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाए। बाकी वहां क्या होना है देखो वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन जो आपके हाथ में है उसको प्रिपेयर कर लो। मैंने 27 अगस्त को बोला था कि आपका रिजल्ट आने वाला है, 11, 12, 13 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कब तक आएगा। तो अभी भी आपको आइडिया लग ही रहा है जो चीजें वायरल हो रही है कि कब तक आ रहा है रिजल्ट, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ और अपने डेमो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 1-2 poem, 2 कहानी, 2 कविताएं अच्छे से, 2 सब्जेक्ट के कोई भी डेमो और सारे कंटेंट जो है 1st to 5th का वो आपको पता होना चाहिए एज अ प्राइमरी टीचर, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और इस केस में आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हूँ हमेशा। आपको जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पर डेमो चाहिए वो आप कमेंट्स करके बता दो, मैं पहले की तरह वो डेमो लेकर के आऊंगी। बीच में बिल्कुल केवीएस का कुछ नहीं हो पा रहा था तो इसलिए डेमो रोक दिए थे, बट अब प्रिपरेशन तो करनी है तो आप वो डेमो कमेंट्स करके बता दो। और सेकंड चीज, आज प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि DSSSB की पीआरटी की वैकेंसी आएंगी, बट वो 1.5 महीना 1 महीना डिले होंगी। ठीक है, ये वीडियो आज आई है, लेकिन अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि आप लोग प्रिपरेशन करो, एज क्या है डजंट मैटर, अगर आपकी 30 से भी कम एज है तो आप प्रिपरेशन करो, वैकेंसीज तो आनी ही आनी है। जैसे बहुत बच्चे डाउट में है कि इस साल वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी, हम अगली साल के लिए प्रिपेयर करें या किसी और चीज के लिए प्रिपरेशन कर लें अगर वैकेंसी नहीं आ रही तो सर की तो वीडियो आ जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि सर ने क्या है क्या नहीं, बट एक चीज समझो, मैंने कल की वीडियो में आपको ये बोला हुआ है कि सितंबर में तो वैकेंसी नहीं आनी, अक्टूबर या अक्टूबर के एंड तक वैकेंसीज आ सकती है। तो वही सर का कहना है कि 1-1.5 महीना तो अभी वैकेंसीज आने में लगेगा, बट ये फिक्स है कि वैकेंसीज आएंगी। और DSSSB बोर्ड अब ऐसा हो चुका है कि इसकी प्रिपरेशन ना 1-2-3 महीने में नहीं होगी। अगर आपको अब बोर्ड में कॉम्पिटिशन में उतरना है तो अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अच्छे से करना पड़ेगा। और NIOS तो खुद ऐसा कोर्स है जिसको पढ़ने के लिए आपको 3-4 महीने चाहिए। तो थोड़ा सा जो टाइम है अभी इस चीज को समझो और अपनी ना प्रिपरेशन में लगा दो। वैकेंसीज आएंगी, भले ही डिले हो रहा है बट वैकेंसीज आनी है और वैकेंसीज आएंगी।
ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, और ये जो टाइम है ना इसको खराब करने की जगह ना आप अपने सही टाइम पे लगा दो। ये जो जो 2 महीने 3 महीने थे ना खराब होने थे, वो हो गए, केवीएस के रिजल्ट में कह लो, DSSSC वैकेंसी के इंतजार में कह लो, बट अब ना अच्छे दिन आने वाले हैं, काइंड ऑफ ये समझ लो, रिजल्ट भी आएगा और बीएड वाले आउट है तो कंपटीशन भी कम हो गया है, DSSSC में भी बीएड वाले नहीं होंगे, तो जितनी भी जैसी भी वैकेंसीज आनी है हर बच्चे को अपना 100% देना है, टाइम को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो, और जैसा भी टाइम है करो, ठीक है, जैसे ही वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, बट अभी जो टाइम है ना इसको पढ़ लो, अगर इधर उधर वैकेंसीज में वेस्ट करोगे ना और एकदम से वैकेंसीज आ गई और तुरंत अगर एग्जाम हो गया तो फिर कुछ ही नहीं रह जाएगा, और ये चीज़ ना मैं फेस कर चुकी हूँ 2019 में, मैं इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ, जो टाइम है ना अभी पढ़ लो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ये थी, DSSSC वैकेंसी, KVS PRT रिजल्ट। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट्स करके पूछ सकते हो।